फ्रेंड्स, वेलकम टू बंगला क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसमें एक्सरसाइज 9 ए अपन कंप्लीट कर ली थी, 9 बी का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो 4th तक है वो कंप्लीट अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन क्या है वो देखिए। डिटरमाइन द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको रियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब? फॉर विच ईच स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो ट्रू है, ठीक है ना। यानी इस केस के अंदर यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी कि इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू जीरो आ जाए। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको सोल्व करें तो वो ये सेम ही एक्स प्लस वाई आइटा प्लस एक्स माइनस वाई प्लस फोर, यानी जो कंपेयर करने वाला जो दो आपकी क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल के फॉर्मेट में, उस फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पे अपन। तो सबसे पहले ये जो नीचे आइटा है इसको उठाएं, तो इस पूरे फॉर्मेट को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स प्लस वाई अपॉन आइटा। इसको मैं नीचे वाले आइटों को उठाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर आइटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी आइटा से मल्टीप्लाई, और ये वाली वैल्यू रह जाएगी एक्स माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। ये मैं लिख सकता हूं। इस आइटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दू तो वैल्यू, या फिर एक बार रहने दो, एक्स प्लस वाई ये तो हो गया आपका आइटा, और आइटा इंटू आइटा कितना, आइटा स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। इसी को मैं लिख सकता हूं आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस वन। कितना? माइनस वन। इस माइनस वन को मैं यहां पे मल्टीप्लाई करवा दू, माइनस वन हो गया ना, माइनस वन को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊ तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। यहां से जो आइटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी, माइनस वन। ये लिख देता हूं मैं आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस वन। इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एक्स माइनस वाई, और इंटू में कौन है आपका आइटा, प्लस एक्स माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू में कितना आएगा, जीरो। इस जीरो को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो तो इसको क्या लिख सकता हूं, जीरो प्लस, या फिर एक बार लिख दो इसको, ये रियल वैल्यू है ना, इसको पहले लिख दो, आइटा नहीं है ना इसके साथ में, तो एक्स माइनस वाई प्लस फोर ये तो एक तरफ ले लो, और प्लस माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आइटा इसको एक तरफ ले लो। इस जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, जीरो प्लस आइटा इंटू जीरो लिख सकते हैं ना। कंपेयर करोगे बोथ साइड में तो x माइनस वाई प्लस फोर इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जीरो की इक्वल, फिर इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी आपकी, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके, जीरो के इक्वल। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। तो माइनस एक्स यानी इस वाई की वैल्यू ये एक्स पुट कर दो यहां पे, तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, एक्स माइनस, और ये एक्स यहां पे पुट होगा ये लीजिए, प्लस में कितना, फोर इक्वल टू में कितना, जीरो। एक्स माइनस माइनस प्लस तो टू एक्स हो गया, एक्स प्लस एक्स कितना, टू एक्स, और ये फोर इधर आएगा तो माइनस का फोर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का टू आ गया। एक्स की वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे तो माइनस इंटू माइनस टू इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, टू आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू माइनस टू, y की वैल्यू आपकी टू, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में x की वैल्यू माइनस टू, y की वैल्यू टू, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करें तो 2 में आपका गिवन है कि माइनस एक्स प्लस थ्री वाई आइटम प्लस टू एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू एट अपॉन आइटा। तो देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो इमेजिनरी वैल्यू ये होगी और ये रियल वैल्यू हो गई, उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसको मैं देखो एक तरफ चेंज कर लेता हूं, यहां पे कर लेता हूं उस चीज को, आप लिख लेना कि आइटा अपॉन एट अपॉन आइटा है, तो इस आइटा को उठाएं तो कितना आएगा, आइटा अपॉन में आइटा, एट आइटा अपॉन में माइनस वन, आइटा इंटू आइटा कितना, आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, माइनस वन, यानी ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का एट आइटा आएगा, ठीक है। तो इस पूरे फॉर्मेट को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां से लिखो 2x माइनस वाई प्लस वन, ये तो वैल्यू हो गई रियल वैल्यू, और फिर माइनस, और ये वैल्यू हो गई x प्लस थ्री वाई, और फिर ये आइटा इक्वल टू
इस वाले फॉर्मेट को मैं क्या लिख सकता हूं, 0-8i तक लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप कंपेयर करोगे बोथ साइड में तो आपकी वैल्यू आएगी 2x-y+1=0, और यहां से ये कंपेयर करोगे तो माइनस है, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी x+3y=, यहां से देखो माइनस है और आइटा भी है, तो ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 8 की इक्वल हो जाएगी। ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, ये आप थोड़ा रफली कर लेना। अब अपन इसके आगे सोल्व करते हैं। दो लीनियर इक्वेशन मिल गई आपको इन टू वेरिएबल, तो टू लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड अपन 10th क्लास में डिस्कस किया है, तो इसके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2x-y, ठीक है, 2x-y, या फिर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे है ना 3, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6x। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट को सेम कर रहा हूं मैं, और ये माइनस का 3 और ये वैल्यू होगी +3=0। इसी को मैं लिख सकता हूं 6x-3y=-3, ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दो तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन है वो x-x+3y=8। इन दोनों को मैं ऐड करूं तो माइनस वाली वैल्यू माइनस से कैंसिल आउट, और 6x + x = 7x, और 8-5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/7, ये तो x की वैल्यू होगी। इस x की वैल्यू सेकंड में पुट कर दो, x की वैल्यू में सेकंड में पुट कर दो, यानी पुट कर दो, पुट x = 5/7 इन इक्वेशन कौन से में, सेकंड में पुट कर दो तो वैल्यू आएगी 5/7+3y=8। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो 3y की वैल्यू कितनी आएगी, 8-5/7। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो ये आपके वैल्यू आ जाएगी 56, कितनी आएगी वैल्यू, 56-5/7। इसी को मैं लिख सकता हूं 51/7, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब इसको मैं आगे सोल्व करूं तो देखो 3y, यहां से 3y की वैल्यू आ गई ना ये, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 51/7×3। अब 3 से कैंसिल आउट कर दो कितना आएगा, 17, ठीक है ना, ये 17 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 17/7, ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 5/7, y की वैल्यू 17/7, चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है, यही आपका आंसर है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेना, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस अपन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है x-y(2+3i)=(x-2x/1-i), ये फॉर्मेट आपको गिवन है, ये आइटा भी। तो देखो इसको मैं चेंज करूं तो सबसे पहले फॉर्मेट में इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो और उसको रेशनलाइज यानी कॉन्जुगेट फॉर्म लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी। x को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो 2x, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 3x/i, इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो वैल्यू आएगी आपकी -2y/i, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो -3y/i² ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फॉर्म लेके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना है, क्यों, क्योंकि नीचे आयटा वाली फॉर्मेट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, जब भी नीचे आयटा वाला फॉर्मेट आपको मिले तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, यहां से क्या वैल्यू आएगी, x-2i/1-i, इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगी, 1+i/1+i, ये इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म हो जाएगी।
अब मैं इसको सोल्व करूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये तो 2x, ठीक है, ये देखो आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन लिख दो, तो -3 y -1, और यहां से मैं आयटा को कॉमन निकाल दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 3x - 2y - आयटा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो x + x - आयटा, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं तो -2 आयटा और -2 आयटा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो 1 का स्क्वायर - i का स्क्वायर, ये वैल्यू रह जाएगी आपकी। अब इसको आगे मैं सोल्व करूं तो ये माइनस वन, ये माइनस वन कितना आपका प्लस वन, तो 2x + 3y, ये तो वैल्यू एक तरफ हो गई, प्लस 3x - 2y - आयटा, ये वैल्यू एक तरफ हो गई। यहां से वैल्यू कितनी आएगी, ये एक्स ए वाली दीजिए आप, ठीक है ना, या फिर देखो यहां से आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 - 1, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +1, यानी x + 2 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद में यहां से मैं 2 को कॉमन, यानी आयटा को कॉमन निकाल दूं तो +x - 2 आयटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस और ये माइनस कितना प्लस, तो 1 + 1 कितना आता 2, लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, ये आप इसको ध्यान से देख लेना। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x + 3y + 3x - 2y = x + 2 / 2 + x - 2 / 2 × i। अब कंपेयर करोगे बोथ साइड में तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 2x + 3y = x + 2 / 2, और यहां से इमेजिनरी वैल्यू, ये इमेजिनरी वैल्यू ना आयटा, यहां पे 3x - 2y ये किसकी इक्वल होगी, x - 2 / 2 के इक्वल, ठीक है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करवा दूं, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो 4x + 6y = x + 2, ये आ जाएगा। इस x को इधर लेके माइनस करवाऊं तो आपकी वैल्यू आएगी, इस x को इधर लाके आप माइनस करवाओगे तो वैल्यू आएगी आपकी 3x + 6y = 2, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी। इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो 6x, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो 6x - 4y = x - 2, ये लीजिए, ये x इधर आएगा तो माइनस करवा दो तो 5x, और ये -4y = -2। अब कोफिशिएंट को इक्वल करें, तो कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए क्या करें, इसको तो आप ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी, इस इक्वेशन को तो आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दो 2 से, और इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्यों, 3 × 4 कितना 12 हो गया, 2 × 6 कितना 12 हो गया, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 6x + 12y = 4 आ गया, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 15x - 12y = -6, ठीक है ना, -6, ये वैल्यू होगी। अब मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोनों को एक साथ में लिखूं और ऐड करवा दूं तो देखो वैल्यू क्या आएगी, 15x - 12y = -6, इन दोनों को ऐड करो तो ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, और 15 + 6 कितना आपका 21x, और -6 में से ये आप माइनस करोगे तो ये -2, यानी यहां से मैं x की वैल्यू, यानी 21x = कितना आ गया, -2 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -2 / 21, ये आपके यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। इस x की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो वैल्यू देखो क्या है कि लिख दीजिए put x = -2/21 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर दो, यदि मैं फर्स्ट में पुट कर दूं तो 3 × −2/21 और फिफ्थ प्लस का 6y = -2, ये इक्वेशन आपकी,
इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये 7 हो गया, तो 6y = 2, ये -2/7 उधर जाएगा तो प्लस का 2/7 होगा ना, इसी को मैं लिख सकता हूं ये 14 + 2 यानी 16/7, 14 + 2 16/7, इसी को मैं लिख सकता हूं y = 16/7 × 6। देखो कैंसिल आउट हो रहा है 2 से, तो ये 8 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कितनी वैल्यू हो गई 8/21। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/21, x की वैल्यू कितनी -2/21 और y की वैल्यू कितनी 8/21। ये आप इसको ध्यान से देख लेना, फिफ्थ पार्ट, x की वैल्यू -2/21, y की वैल्यू 8/21, ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार, डिस्कस करते हैं अपन इसका 6th पार्ट, ठीक है, तो देखते हैं 6th पार्ट को। देखो 6th पार्ट में आपको x की पावर 4 के फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन है, ठीक है, देखिए ध्यान से देखना आप, x की पावर 4 प्लस 2 × x × i, फिर वैल्यू है -3 × x² + y × i, फिर आगे वैल्यू आपको गिवन है 3 - 5 i +1 + 2 × y i, ये फॉर्मेट आपको गिवन है। अब इस फॉर्मेट में से वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं, देखो किस फॉर्मेट से करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन की थीम। देखो सबसे पहले तो रियल वैल्यू एक तरफ कर लो और इमेजिनरी वैल्यू को एक तरफ कर लो, क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स की पावर 4 + 2 × x × i, यहां से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो -3x² - y × i लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 - 5i + 1 + 2 × y i, ये लो रियल वैल्यू को मैं एक तरफ लूं तो ये लिख सकता हूं x³ - 3 × x², ये लिख सकता हूं, यहां से और यहां से मैं आइटा को बाहर निकाल दूं तो आइटा तो बाहर 2x - y बच जाएगा, ये वाली वैल्यू कितनी 4, और इन दोनों वैल्यू से मैं यदि आइटा को बाहर निकाल दूं तो 2y - 5 ये वैल्यू बच जाएगी। अब कंपेयर करोगे बोथ साइड में आप तो आपकी वैल्यू आएगी, देखो कितनी x³ - 3x² = 4 आ गया, और ये इमेजिनरी वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी तो 2x - y = 2y - 5 ये वैल्यू आपकी इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से x² को मैं कॉमन निकाल दूं, ठीक है, किसको कॉमन निकाल रहे हैं x² को, तो x² को यदि मैं कॉमन निकाल दूं तो x² बार यहां से वैल्यू आएगी x² - 3 = 2, ये वैल्यू आएगी, x² आप बाहर निकाल दोगे तो आपकी वैल्यू ये हो जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 के इक्वल है तो या तो ये 2 के इक्वल होगा या फिर वो 2 के इक्वल होगा, और यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं एक बार इसको देखो 2x ये इधर आएगा तो -3y = -5 यानी +-5 हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन रह जाएगी ये। अब बात करते हैं इसको मैं सोल्व करूं तो यहां पे आपका 3x² है, कितना है 3x, वैल्यू आपकी आगे ये है और यहां से मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है भाई, और इसकी जो आंसर आ रहा है वो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3
और x की वैल्यू माइनस टू, y की वैल्यू ये वैल्यू फोर है भैया आपका, ये क्या आपका फोर है, ठीक है। ये अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई फोर है तो x की वैल्यू आपकी याद आएगी कि x स्क्वायर इक्वल टू फोर, या फिर केस मिलेगा आपको x स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू फोर। बात एक ही है ना, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, रूट प्लस माइनस टू आ जाएगा, कितना आएगा प्लस माइनस टू आ जाएगा, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई सेवन, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से प्लस माइनस सेवन, रूट सेवन, रूट सेवन, ये ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद में यदि मैं x इक्वल, देखो फर्स्ट केस के अंदर मैं पुट कर रहा हूं, x इक्वल टू में प्लस टू पुट कर दू तो y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये टू यहां पे पुट करो, फोर माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस का फाइव, तो माइनस थ्री इक्वल टू माइनस फाइव माइनस फोर, यहां से वैल्यू आएगी माइनस थ्री इक्वल टू माइनस का नाइन, तो y की वैल्यू आ गई यहां से थ्री, कितनी आ गई y की वैल्यू थ्री, कब जब x की वैल्यू टू आ जाए तब। और सेकंड केस के अंदर यदि मैं x की वैल्यू माइनस टू पुट कर दूं तो माइनस टू यहां पे पुट करो, माइनस का फोर और ये माइनस का थ्री वाई इक्वल टू माइनस फाइव, तो माइनस थ्री वाई इक्वल टू कितना माइनस फाइव प्लस फोर, तो आपकी जो y की वैल्यू होगी वो माइनस वन अपॉन में माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी हो गई ये वन बाई थ्री हो जाएगी, ठीक है ना। अब रूट यहां पे आप पुट करोगे तो सोल पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है ना, आपकी पॉसिबिलिटी केस नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपका उधर जाके सेव नहीं हो रहा ना, ये आपका इसका आंसर हो जा रहा है अभी, ठीक है ना। देखो यदि मैं रूट सेवन यहां पे पुट करूं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि x की वैल्यू ये आ रही है, x की वैल्यू ये आ रही है, x इक्वल टू में पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी प्लस, यानी x इक्वल टू रूट सेवन में पुट कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी टू इंटू रूट सेवन माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस का फाइव, तो माइनस थ्री वाई इक्वल टू कितना माइनस फाइव माइनस टू रूट सेवन, तो y की जो पॉसिबल वैल्यू आएगी वो फाइव प्लस टू रूट सेवन अपॉन में थ्री, ये आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको पॉसिबल वैल्यू इसको ले लो, इसी केस के अंदर ये जीरो आ जाएगा, इस केस को ट्राई करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो निकालो तो आप निकाल देना, वाई की वैल्यू आप एक्स की वैल्यू रूट सेवन पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, माइनस पुट करोगे तो वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको एक ही पार्ट गिवन है इसमें, तो अपन कर लेते हैं इसको भी फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में राइट कॉन्जुगेट फॉर्म, आपको इस क्वेश्चन की कॉन्जुगेट फॉर्म निकालनी है। क्वेश्चन क्या है आपका, सिक्स प्लस फाइव इंटू आइटा स्क्वायर, इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म निकालनी। तो पहले तो आपको इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ये तो होगा। सिक्स का होल स्क्वायर कितना 36, फाइव का कितना 25, आइटा का कितना आइटा स्क्वायर, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 60 इंटू आइटा, ये लिखेंगे। तो 36 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस का वन, ये माइनस, ये 25 और प्लस का 6 आइटा, यहां से 36 में से आप 25 माइनस करोगे तो 11 प्लस 6 आइटा, ये आ जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट फॉर्म निकालनी है मुझे, क्या निकालनी है, कॉन्जुगेट फॉर्म निकालनी है, कितनी आएगी 11 माइनस 60 आइटा, 11 माइनस 60 आइटा, ये आपकी इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाएगी।
ठीक है भाई, ऐसे अपन इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप इसको नोट डाउन कर लो, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, ठीक है ना। तो 7 तो देखते हैं, एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि राइट द एडिटिव इनवर्स। देखो अपन प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे एडिशन की, एडिशन के अंदर एक आपकी प्रॉपर्टी आई थी इनवर्स लाया था। इनवर्स ला में आपको मैंने बताया कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं किस वैल्यू से एड कर दूं क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो इस जेड का ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको जो फर्स्ट गिवन है वो -2, जो फर्स्ट है ना वो -2 + 3 आइटा गिवन है। तो इसको मैं लेट करके क्या मान लू, जेड मान लेता हूं। ये लो लेट करके मैंने क्या मान लिया, जेड। तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है आपको, क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस का जेड है, ये लो माइनस जेड। तो इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर किया तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दू तो ये माइनस माइनस प्लस और ये -3 आइटम। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स 2-3 आइटा आ जाएगा, 2-3 आइटा आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका जो सेकंड है, सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है 3- की लेट करके जो जेड है आपका वो है 3-4 × आइटा। एडिटिव इनवर्स निकालना है तो माइनस जेड निकालना है, तो माइनस जेड यानी -3-4 आइटा लिख सकता हूं। इसी को लिख सकता हूं मैं -3 + 4 आइटम। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स आपका -3 + 4 आइटा आपका आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप अच्छे से। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे तो वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। तो अपन क्वेश्चन नंबर 8 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।